एल्गी कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोइड प्लांट ऑफ सिंपलेस्ट टाइप। व्हाट इज द थैलोइड प्लांट? थैलोइड प्लांट्स आर दोज प्लांट विच हैव नो ट्रू रूट्स स्टेम्स लीव्स और लीव्स लाइक ऑर्गन। तो एल्गी हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स। फर्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोइड प्लांट। सेकेंड, अकर इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट, मेजोरिटी ऑफ देम लिव इन द एक्वेटिक। थर्ड, थैलस डज नॉट शो डिफ्रेंशिएशन। फोर्थ, इट मोस्टली आर यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन विदाउट ए जैकेट, बट इफ जैकेट सेल्स आर प्रेजेंट देन दे शो द प्रोग्रेसिव कम्प्लेक्सिटी इन रिप्रोडक्शंस। एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर गैमेटिक यूनियन। सिक्स, दे शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देन सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी ऑन बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देर आर थ्री टाइप। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकेंड इज मेसोकैरियोटिक और डायनोफाइसेस इंक्लूडिंग इन दिस वन। थर्ड इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, इन प्रोकैरियोटिक प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस। सेकेंड, अब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज द प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड इज अब्सेंट ऑफ बेसिक प्रोटीन। फोर्थ इज प्रेजेंस ऑफ माइकोपेप्टाइड इन सेल वॉल। एंड फिफ्थ इज अब्सेंस ऑफ माइटोसिस। देन सेकेंड आता है मेसोकैरियोटिक। इन दिस न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमोसोम्स। बेसिक प्रोटीन आर अब्सेंट। यूकैरियोटिक, इन यूकैरियोटिक प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। आप ये कह सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में आपका जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट्स में जो आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि मेसोकैरियोटिक इनके बीच में होता है। यानी कि इसमें जो है न्यूक्लियस तो होता है लेकिन बेसिक प्रोटीन्स इसमें जो है एब्सेंट होते हैं। देन सेल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सेल वॉल, सेकेंड फ्लेजुला, थर्ड वन इज द न्यूक्लियस, फोर्थ वन इज गोल्गी बॉडी और टिक्टियोसोम्स, फिफ्थ वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, सिक्स वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेवन्थ वन आई स्पॉट्स और स्टिग्मा, एट वैक्यूल्स, नाइन गैस वैक्यूल्स, टेंथ पिगमेंट्स एंड इलेवेंथ इज पेरेनोड्स। तो फर्स्ट वन इज सेल वॉल। तो सेल वॉल जो एल्गी में है वो आपकी सेलुलोज होती है, यानी कि सेलुलोज म्यूसिलेज पेक्टिन प्योर फॉर्म में भी हो सकता है और मिक्सड फॉर्म में भी हो सकता है। पियोफाइसिस में ये आर्जिनिक एसिड फोएडीन ट्यूसिन हेमीसेलुलोज की बनी होती है, जबकि रोडोफाइसिस में पेक्टिन की बनी होती है। कोरलाइन एल्गी यानी कि रेड एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। कोरेलाइन एल्गी जो है रेड एल्गी का एक पार्ट है। बैसिलियोफाइसिस में जो है कैल्शियम, बैसिलियोफाइसिस में जो है आपके डायटम आते हैं तो उसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी म्यूकोपोलीमेरिक का बना होता है। तो म्यूकोपोलीमेरिक में जो है ग्लूकोज अमाइन, अमीनो एसिड, म्यूरामिक एसिड, डायमिनो पाइमेलिक एसिड्स आते हैं। तो जो ट्रू सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है युग्लिना में, जिम्नोडियम में, पाइरिमिनोनोस में। फ्लेजिला के टाइप कहते हैं तो दो टाइप की आती हैं। फर्स्ट वन आपका था विप्लेस और एक्रोनिपिटिक, जिसे हम कहते हैं स्मूथ सरफेस, यानी कि जिस पे जो है मेस्टिगोनिमा एब्सेंट होती है। सेकंड आपका था टेंसाइल। टेंसाइल में और इसको जो है प्लूरोनिमेटिक भी बोलते हैं। इस पे जो फाइन फिलामेंट्स अपेंडेजेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो टेंसिल्स के बेस पे हम तीन टाइप के पढ़ते हैं, पेंटानिमेटिक, पेंटोक्रोनिमेटिक,
स्टिकोनमेटिक। पेंटानमेटिक में जो है रेडिकल अरेंजमेंट होते हैं, और फ्लिमर्स जो है अरेंज होते हैं टू अपोजिट रो में, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है सेकंड वाला डायग्राम, कि इसमें जो है आपका टू अपोजिट डायरेक्शन में जो आपके फ्लिमर्स प्रेजेंट है। देन सेकंड आपका आता है पेंटोक्रोनमेटिक। पेंटोक्रोनमेटिक में जो फ्लैजेलम है वो टर्मिनल फाइबर के साथ से आपके प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका ये दिखाया गया है, यानी कि दोनों ही एंड पे आपके जो है फाइब जो आपके ये फिब्रिल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज पेंटोक्रोनमेटिक। देन थर्ड वन आपका आता है स्टिकोनमेटिक। स्टिकोनमेटिक में जो है फ्लिमर्स जो होते हैं डेवलप होते हैं ओनली वन साइड ऑफ फ्लेजिला, तो आप ये कह सकते हैं दैट इज द ओन द वन साइड ऑफ द फ्लेजिला के जो आपके अराउंड जो आपके प्रेजेंट होते हैं फ्लिमर्स, तो ये यूक्लिना और एस्टेशिया में पाए जाते हैं। देन थर्ड वन आपका था आइस पॉट या स्टिग्मा। तो मोटाइल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सेल्स हैविंग पिगमेंट स्पॉट, तो उन बेसिस ऑफ पोजिशन और स्ट्रक्चर ही पांच टाइप के हम कहते हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, टाइप फाइव। तो इनका फंक्शन जो होता है वो लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनेलिज का काम करता है, और आपकी जो सेल्स होती है वो लाइट की डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये एक तरीके का प्राइमरी रिसेप्टर होता है लाइट का। तो जैसे कि कहा हमने ये पांच टाइप के होते हैं, तो पहले टाइप में जो लोकेशन है वो क्लोरोप्लास्ट होगी, और इसमें जो है कोई भी फ्लैजिला जो है नहीं होता, तो इसमें जो है क्लोरोफाइसिस क्रिप्टोफाइसिस में ये प्रेजेंट होता है। सेकंड में लोकेशन क्लोरोप्लास्ट है लेकिन स्वोलन फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो इसके एग्जाम्पल है क्राइसोफाइसिस, पियोफाइसिस, जेंथोफाइसिस। थर्ड में जो लोकेशन आपकी वो इंटीरियर ऑफ सेल्स होते हैं और नियर फ्लेजुलर स्वेलिंग के पास होती है, ये इंडिपेंडेंट क्लस्टर ऑफ ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो है इंडिपेंडेंट होते हैं ऑस्मोटिक ग्रेन्यूल्स के, तो यूग्लिनोफाइसिस में ये मिलता है। फोर्थ में लोकेशन जो होगी नियर द बेस ऑफ फ्लेजिला होगी, इसमें जो है ऑस्मोटिक ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर होते हैं विद मेम्ब्रेनस लेमिना, तो ये डायनोफाइसिस में मिलते हैं। पांचवे में जो है लेंस होगा, रेटिनोइड्स होंगे और पिगमेंट कप होंगे, ये लार्जेस्ट होता है और मोर कम्प्लेक्स होता है इसमें आइसपॉट, तो ये डायनोफाइसिस में इंक्लूड होते हैं। देन फोर्थ आपका आता है पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स जो प्रोटीन बॉडी होती है जो कि आपके क्रोमेटोफोर में प्रेजेंट होती है, इसका काम होता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च, तो ये जो है क्लोरोफाइसिस में जो पायरेनोइड्स होते हैं वो स्टार्च प्लेट से कवर्ड होते हैं, जबकि डायटम में जो ये अक्यूमुलेट करते हैं लिपिड्स को। क्रोमेटोफोर्स विद वन पायरेनोइड्स जो है आपका क्लेमेटोमोनास में पाया जाता है, और क्रोमेटोफोर्स विद द मोर पायरेनोइड्स ये ओइडोगोनियम में मिलता है। देन फिफ्थ वन आपका आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में को हम जो है टर्नोप्लास्ट भी कहते हैं, तो वैक्यूल जो है एक डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, तो वन और मोर वैक्यूल्स आपके एक सेल्स में हो सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में ये एब्सेंट होता है, तो नॉर्मली हम दो टाइप के कहते हैं, सिंपल और कॉन्ट्रैक्टाइल एंड कम्प्लेक्स वैक्यूल्स। सिंपल और कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होता है वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है जैसे क्लोरोफाइसिस में, जबकि जो कम्प्लेक्स वाला होता है वो ट्यूब लाइक साइटोफेरिंग्स होती है, लार्ज रिजर्वोयर होता है। ग्रुप ऑफ वैक्यूल्स इसमें जो है वेरी साइज के डिफरेंट साइज के होते हैं, इसके एग्जाम्पल है डायनोफाइसिस, यूक्लिनोफाइसिस। फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन होता है, सेकेंड रेगुलेट करता है वाटर और सोल्यूट एब्जॉर्प्शन को, थर्ड ये एज ए स्टोरेज रिजर्व फूड का काम करता है सच एज द लेमिनेरियन एंड क्राइसो लेमिनेरियन। गैस वैक्यूल्स जो आपके साइनोफाइसिस में मिलते हैं जो कि बोयंसी का काम करते हैं, तो ये एज एक्ट ए स्क्रीन अगेंस्ट द इंटेंस लाइट फॉर द फाइटोप्लैंक्टन्स। देन सिक्स वन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है साइनोफाइसिस में प्रोकैरियोटिक
या इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। डायनोफाइसिस में जो है टू यूकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं होता, इसका साइज जो है 1 to 80 माइक्रोन जो आपका वेरी करता है। टू लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है सेपरेट होती है बाय पेरी न्यूक्लियर स्पेस। लोवेस्ट एंड जो है आपका टू होता है जो पोरफायरा में होता है जो कि एक रोडोफाइसिस है, जबकि हाईएस्ट नंबर जो है 592 है जो कि आपके नेट्रियम में मिलता है जो एक क्लोरोफाइसिस है। देन सेवन्थ आपके आते हैं पिगमेंट्स। तो पिगमेंट में हम क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल ए जो है सभी में पाए जाते हैं, जबकि क्लोरोफिल बी आपकी क्लोरोफाइसिस और यूक्लिनोफाइसिस में मिलता है। क्लोरोफिल सी आपका पियोफाइसिस, क्रिप्टोफाइसिस, बेसिलियोफाइसिस, राइसोफाइसिस में मिलता है। क्लोरोफिल डी आपकी रेड एल्गी में मिलता है। क्लोरोफिल ई आपकी सर जेंथोफाइसिस में मिलते हैं, जैसे कि वाउचीरिया हो गया, ट्राइपोनिमा हो गया। जेंथोफाइसिस जो आपका मोर देन 20 आपकी जो है फैमिली, मोर देन 20 आपकी जो ऑर्गेनिज्म उसमें मिलते हैं एल्गीज में। तो फॉर्मेशन है इसकी जो मोलिकुलर ऑक्सीजन प्लस में कैरोटीन है। क्लोरोफाइसिस पियोफाइसिस इसमें ल्यूटीन बायोलाजेंथिन नियोजेंथिन मिलता है। डायटम ऑफ पियोफाइसिस में फ्यूकोजेंथिन मिलते हैं। साइनोफाइसिस में जो आपका माइकोजेंथोफिल, मिक्सोजेंथिन, ऑक्सिलोजेंथिन जो कि आपकी ओनली ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलती है। देन थर्ड पिगमेंट आपका था कैरोटीन। तो ये ऑक्सीजन फ्री एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। ये फाइव टाइप का होता है। अल्फा कैरोटीन जो कि आपका पियोफाइसिस, क्रिप्टोफाइसिस, रोडोफाइसिस में मिलता है। बीटा कैरोटीन ऑल ग्रुप में मिलता है एक्सेप्ट क्रिप्टोफाइसिस में। सी कैरोटीन आपका जो है क्लोरोफाइसिस में मिलता है। ई कैरोटीन आपका जो है पियोफाइसिस, क्रिप्टोफाइसिस, बेसिलियोफाइसिस और ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है। फ्लेवोसिन आपका साइनोफाइसिस में मिलता है। कैरोटीन प्लस ल्यूकोपीन ये आपका क्लोरोफाइसिस में मिलता है। फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स जो होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड बिली प्रो पिगमेंट्स होते हैं इन फोटोसिंथेटिक टिश्यू। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होते हैं और ट्रांसफर करते हैं लाइट को क्लोरोफिल ए में। रोडोफाइसिस में आपका जो है फाइको एरिथ्रिन होता है, जबकि फाइकोसाइनिन आपका साइनोफाइसिस में मिलता है।